नमस्कार दोस्तों, प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आपने अभी स्विगी का जो आईपीओ क्लोज हुआ था, लिस्टिंग हुई थी, उसमें आपने देखा 17% का जो है इशू प्राइस से ज्यादा हुआ, जबकि बहुत ही खराब बाजार चल रहा था। व्हेन द मार्केट वाज एक्सट्रीमली वीक। सो आज मैं इसी से रिलेटेड टॉपिक को कवर करने जा रहा हूँ, जो कि न्यू एज कंपनीज कहलाती हैं। मैं न्यू एज कंपनीज पे एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, और इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यू एज कंपनीज का एक बढ़ता हम सबको पीछे नहीं रख सकता। चलिए देखते हैं क्या। 2021 के आसपास शुरू हुई। अब ये न्यू एज कंपनीज होती क्या है? न्यू एज कंपनीज उन कंपनीज को कहते हैं जो कि न्यू एज टेक स्टॉक्स हैं, राइट? ये स्टॉक्स जो हैं उन कंपनीज को बिलोंग करते हैं जो कि ट्रेडिशनल तरीके से नहीं हुए। 2021 के आसपास शुरू हुई, वो मार्केट में आए, वो एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ आए, उसको लिवरेज करते हैं और पूरे ट्रेडिशनल मार्केट को डिसरप्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि एक नया मार्केट और नई इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है। ठीक है, आपने ब्लिंकिट का एग्जांपल तो देख ही लिया। सो ये ऐसी कंपनीज को न्यू एज कंपनीज बोलते हैं। इसका डेब्यू जो है 2021 में शुरू हुआ इंडियन स्टॉक मार्केट में। 2021 तक कोई भी न्यू एज कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं थी। इन पिछले चार सालों में, 21 में चार सालों में टोटल जो है करीब 13 कंपनीज ने आईपीओ लिस्टिंग में पार्टिसिपेट किया है, राइट? और 2020 में आप विश्वास नहीं करेंगे, 7 कंपनीज ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। पूरा साल खत्म नहीं हुआ है, राइट? तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये जो 7 कंपनीज 2024 में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो है स्विगी, फर्स्ट क्राई, यूनिकॉमर्स, ओला इलेक्ट्रिक, इक्सिगो, ऑफिस और डिजिट। ये 7 किया है। इनफैक्ट आप अगर मैंने स्टार्टअप पे कुछ वीडियोस भी डाले हैं, उनको जरूर देखिएगा, उससे काफी इनसाइट मिलेगी। 2023 में एक कंपनी ने डेब्यू किया, और उस कंपनी का नाम था मामाअर्थ। मामाअर्थ के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। 2022 में भी सिर्फ एक कंपनी ने डेब्यू किया था, उसका नाम है डिलीवरी। डिलीवरी आप सबको पता ही है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट लॉजिस्टिक्स कंपनी है, और उसको देखा देखी ई कॉम एक्सप्रेस भी जो है, दे आर प्लानिंग टू कम इनटू द आईपीओ, दे मे बी कमिंग एनी टाइम, राइट? और 2021 में करीब जो है 4 कंपनीज ने डेब्यू किया था। तो 2021 जो पहला साल था जब न्यू एज स्टार्टअप कंपनीज ने डेब्यू किया था, उसमें पेटीएम था, पीबी फिनटेक था, पीबी फिनटेक मतलब पॉलिसी बाजार के नाम से जानते हैं, नाइका था और जोमैटो था। जोमैटो का आपको अभी पता ही है। अब आपको मैं एक चीज और बताऊं, स्टैटिस्टिक्स देता हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यह स्टैटिस्टिक यह है कि एक कंपनी ऐसी है इन 13 कंपनीज में जिस आज की डेट में लिस्टिंग के ऊपर 118% प्राइस है, इशू प्राइस से उसकी प्राइस आज की डेट में 118% है, और उस कंपनी का नाम है यूनिकॉमर्स। 2 ऐसी कंपनियां हैं जिनकी 50% से ज्यादा इशू प्राइस से आज की डेट में लिस्टिंग है, मतलब आप मार्केट में अभी प्राइस है, जिसमें से एक कंपनी है जोमैटो 53% और दूसरी है 99%, है ना इंटरेस्टिंग बात? 2 ऐसी कंपनियां जिनकी 40% से ज्यादा इशू प्राइस से अभी स्टॉक रन कर रहा है, फर्स्ट प्राइस द फर्स्ट स्टॉक विच इज एट 40% एंड देन इक्सिगो इज 45%। सो दिस आर द 2 कंपनीज, 5 ऐसी कंपनीज हैं जिनका जो है सिंगल डिजिट इशू प्राइस से चल रहा है, राइट? उनका नाम लेने का मतलब नहीं बनता, बिकॉज यू कैन ऑलवेज फिगर आउट, बिकॉज मैंने आपको सारे कंपनियों के नाम बताए, राइट? और एक ही कंपनी है जो कि बिलो इशू प्राइस चल रही है। क्या गेस कर सकते हैं आप? चलिए मैं आपको बताता हूँ, वह है पेटीएम। पेटीएम जो है -9% चल रहा है, बट अभी पेटीएम में कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स दिखे हैं, एंड जो लोगों का कहना है कि प्रोबेबली दिस इज गोइंग टू डू वेल, राइट? सो ये जो न्यू एज टेक स्टॉक्स हैं, ये एक लिवरेजिंग कटिंग टेक्नोलॉजीज के साथ आते हैं, जो मार्केट को डिस्रप्ट करने की कोशिश करते हैं, और नए नए आइडियाज और नई नई चीजों के साथ आते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट? और ऐसा हो रहा है, राइट? ये ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज की तरह सॉफ्टवेयर में फोकस करेंगे, या हार्डवेयर में फोकस करेंगे, या आईटी सर्विस में फोकस करेंगे, राइट? ये न्यू एज कंपनी जनरली किसमें इन्वॉल्व होती है? उसमें इन्वॉल्व होती है, डिजिटल पेमेंट्स इन्वॉल्व होती है, फिनटेक में इन्वॉल्व होती है, ऑनलाइन गेमिंग में इन्वॉल्व होती है, लॉजिस्टिक्स ऑनलाइन होती है, लॉजिस्टिक्स में इन्वॉल्व होती है, ट्रैवल में इन्वॉल्व होती है, और रैपिड ग्रोथ दिखा है, और इसमें सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है, स्पेशली पैंडमिक के बाद, राइट? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के वजह से ये एक बहुत बड़ी अनप्रेसिडेंटेड रेस में चल रहे हैं। So these stocks are doing extremely well, and it is expected that these stocks are going to do in a long-term basis. They are going to, you know, reap a lot of benefits in case if you are invested in the early ages, early time, right? Risk or challenges to sare stocks mein rehte hain, to thoda to risk or challenges ko study karna hota hai. To ye new age stocks jo hain, sare investors ki jo hai attention ko attract kar rahe hain, right? Or in fact, new age stocks have captured the attention of investors due to their potential for higher growth and innovation. Okay, so that is the reason why I'm talking about these stocks. So new age tech stocks jo hain,
आपको मैं दोबारा एक बार रीएम्फेसाइज कर दूं कि फोर फ्रंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है ये कंपनी ज्यादातर, जैसे मैंने बताया, ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट्स, फिनटेक, ऑनलाइन गेमिंग, लॉजिस्टिक्स, ट्रैवल, इन सब चीजों पे फोकस करते हैं। और एआई, ये कंपनीज एआई और मशीन लर्निंग का भरपूर इस्तेमाल करती हैं, राइट। सो ये मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूं, एडवांटेजेस क्या है, देखिए पांच रीजन है व्हाई न्यू एज कंपनीज जो है, न्यू एज टेक स्टॉक्स जो है वो एडवांटेज। पहला तो वो हाई ग्रोथ पोटेंशियल देती है, वो इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स होते हैं, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन होते हैं, चौथी रहती है, पांचवा जो है सबसे पे काम होता है। सो इसीलिए इफ यू कंपेयर दिस विद ट्रेडिशनल टेक स्टॉक्स, दिस स्टॉक्स आर सीम्स टू बी अ बेटर बेट एंड दैट इज व्हाई द इन्वेस्टर्स आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। क्या आपने किसी न्यू एज स्टॉक पे इन्वेस्ट किया है? नहीं किया तो सोचिए, स्टडी करिए और इन 13 जो कंपनीज के मैंने नाम बताए हैं इनको स्टडी करिए और जहां आपको ठीक लगे आपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट करिए और जरूर इन्वेस्ट करिए, बिकॉज अर्ली एज पे अर्ली टाइम में करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट होगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, एज ए इन्वेस्टर करें, ट्रेडिंग के बजाय एज ए इन्वेस्टमेंट करें। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से ऑन न्यू एज स्टॉक्स। आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, आपका फीडबैक इज मोस्ट वेलकम। नमस्कार।